की कक्षा में हम अपनी पुस्तक साहित्य सौरभ का कहानी साहित्य का एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिस पाठ का नाम है बोलने वाली औरत। प्रस्तुत कहानी में एक आधुनिक परिवेश में पली बढ़ी शिक्षित बहू को, जिसने प्रेम विवाह किया है पुरातन विचारधारा वाले सास ससुर के साथ, परिवार में सामंजस्य बिठा पाने में आने वाली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शिक्षित बहू सही सोच एवं उचित तर्क दे पाने में सक्षम होते हुए भी गृहस्थी की चक्की में पिसकर प्रताड़ित हो जाने पर विवश हो जाती है। बहू हर रोज बेमन से झाड़ू झाड़न पोछे का रोजना मचा हाथ में उठा लेती है, जबकि उसका दिमाग किताब कागज और कलम की मांग करता रहता है। बहू का नाम दीप शिखा भले ही है, परंतु उसका कहना है कि वह समाज में व्याप्त अंधविश्वास और परिवार में सास द्वारा बहू को प्रताड़ित कर उसकी जुबान को बंद रखने की सोच का विरोध करने के संदर्भ में अग्निशिखा कहलाना चाहती है। आधुनिक सोच की बहू का कहना है कि भले ही उसकी जुबान बंद कर दी जाए, लेकिन शब्द उसके अंदर कुल बुलाते रहेंगे। जब मृत्यु के बाद उसकी चीर फाड़ होगी, तब उसके आधुनिक विचार नई पीढ़ी के समक्ष अग्रलेख बनकर छा जाएंगे और खुशहाल परिवार के निर्माण के पथ प्रदर्शक बनेंगे। विडंबना यह है कि उसकी विवाह के पीछे भी उसके आजाद ख्यालात ही थे। उससे मिलते जुलते विचारों वाले युवक के साथ जिंदगी बिताने का उसने फैसला किया था। उसे अपने पति के मौलिक विचार बड़े भाए थे। विवाह के बाद घरेलू जिम्मेदारियां निपटाते निपटाते शिखा अपने व्यक्तित्व को खोती चली गई। सुबह से रात तक घर के काम में लगी रहती थी। उसके दोनों बच्चे भी तर्कातीत तुनक मिजाजी बन चुके थे और वह भी पिता द्वारा अपनी माँ का सम्मान न होते देखकर अपनी माँ को
संवेदनहीन होकर उल्टे जवाब देते हैं। आगे की कहानी पढ़ते हैं। पृष्ठ 107, 108, 109, 110 तथा 111 हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। आज आगे का पाठ पढ़ते हैं। शिखा याद करती वे प्यार के दिन, जब उसकी कोई बात बेतुकी नहीं थी। एक इंसान को प्रेमी की तरह जानना और पति की तरह पाना कितना अलग था। जिसे उसने निराला समझा वही कितना औसत निकला। वह नहीं चाहता जीवन के धर्रे में कोई नयापन या प्रयोग। उसे एक परंपरा चाहिए जी हुजूरी की। उसे एक गांधारी चाहिए जो जानबूझकर न सिर्फ अंधी हो बल्कि गूंगी और बहरी भी हो। आगे हम पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों ने बात दादी तक पहुंचा दी। बीजी एकदम भड़क गईं। अपना काम धंधा छोड़कर काका जयपुर जाएगा। क्यों? बीवी को सैर कराने। एक हम थे कभी घर से बाहर पैर नहीं रखा। शिखा से नहीं रहा गया, उसने कहा। और अब जो आप तीर्थ के बहाने घूमने जाती हैं वह? शिखा बहुत सारे बातें, बहुत सारे शब्द अपने होठों में सी कर बैठी थी, परंतु आज उससे नहीं रहा गया। तीर्थ को तू घूमने जा घूमना कहती है? इतनी खराब जुबान पाई है तूने, कैसे गुजारा होगा तेरी गृहस्थी का? काश गोदरेज कंपनी का कोई ताला होता मुंह पर लगाने के लिए, तो ये लोग उसे मेरे मुंह पर चढ़कर चाबी सेफ में डाल देते, शिखा ने सोचा। सच ऐसा कब तक चलेगा? बच्चे शहजादों की तरह बर्ताव करते। नाश्ता करने के बाद झूठी प्लेटें कमरे में पड़ी रहती मेज पर। शिखा चिल्लाती, यहां कोई रूम सर्विस नहीं चल रही है, जाओ अपने झूठे बर्तन रसोई में रख कर आओ। बच्चों ने घर के पुरुष सदस्यों और बुजुर्गों को कभी भी झूठे बर्तन रसोई में रख कर आना नहीं करते नहीं देखा था। वे भी उनकी तरह अपना कोई काम न करना विशेष अधिकार समझते हैं। माँ द्वारा धमकाने और पीटने पर भी वह टस से मस नहीं होते,
क्योंकि अपनी अबोध अवस्था के बावजूद वे परिवार भर की मौन सहानुभूति अपने प्रति पाते हैं। नहीं रखेंगे क्या कर लोगी, बड़ा बेटा हिमाकत से कहता। न चाहते हुए भी शिखा मार बैठती उसे। एक दिन बेटे ने पलटकर उसे मार दिया, हल्के हाथ से नहीं, भरपूर घूंसा मुंह पर, होठ के अंदर एक तरफ का मांस बिल्कुल चिथड़ा हो गया। शिखा सन्न रह गई। न केवल उसके शब्द बंद हो गए, जबड़ा भी जाम हो गया। बर्तन बेटे ने फिर भी नहीं उठाए। वे दोपहर तक कमरे में पड़े रहे। घर भर में किसी ने बेटे को गलत नहीं कहा। माँ के प्रति तिरस्कार का भाव और पिता के प्रति भय मिश्रित आदर का भाव भारतीय परिवारों का सच है। बच्चों के जन्म से ही परिवार में दादा दादी और पिता को माँ के प्रति हिकारत दर्शाते देखा जाता है, और बच्चे इतने छोटे और अबोध होते हैं कि वह माँ की तथा कथित बदतमीजियों में छुपे विद्रोह की अनिवार्यता और तार्किकता को समझ ही नहीं पाते। जब घर में किसी ने बेटे को गलत नहीं कहा, बीजी दर्शक की तरह वारदात देखती रही। उन्होंने कहा, हमेशा गलत बात बोलती है, इसी से दूसरों का खून खौलता है। शुरू से जैसे तूने ट्रेनिंग दी, वैसा वह बन जाता है। ये तो बचपन से सिखाने वाली बातें हैं, फिर भी बर्तन उठा देती तो क्या घिस जाता। माँ के प्रति सम्मान और संवेदना का क्षण चल रहा है। माँ को काम करने की मशीन समझा जा रहा है। उसके बाद भी बच्चों की दादी बच्चों को न समझाते हुए शिखा को ही गलत कहे जा रही है, और गलत बच्चों को शह दिए जा रही है। उन्हीं के शब्द शिखा के मुंह से निकल गए, अगर यह रख देता तो इसका क्या खिस जाता। बदतमीज कहीं की, बड़ों से बात करने की अकल नहीं है, बीजी ने कहा। ससुर ने सारी घटना सुनकर फिर 1940 का एक मुहावरा टिका दिया, एज सो सो शैल यू रीप। कपिल ने कहा, पहले सिर्फ मुझे सताती थी, अब बच्चों का भी शिकार कर रही हो, अर्थात यह पुरुष अपनी सत्ता सिद्ध करने के लिए
बच्चों के अंदर भी माँ के प्रति तिरस्कार का भाव बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दादी भी शिखा को ही दोषी ठहराकर पौत्र के भीतर विकसित हो रहे पुरुष को आक्रामक और संवेदनहीन बना रही है। शिकार तो मैं हूं, तुम शिकारी हो, शिखा कहना चाहती थी, पर जबड़ा एकदम जाम था, होंठ अब तक सूज गया था। शिखा ने पाया परिवार की शर्तों पर रहते रहते न सिर्फ वह अपनी शक्ल खो बैठी है, वरन अभिव्यक्ति भी। उसे लगा ठूस ले अपने मुंह में कपड़ा या सी डाले इसे लोहे के तार से, उसके शरीर से कहीं कोई आवाज न निकले। शिखा पूरी तरह टूट चुकी थी, बस उसके हाथ पैर हाथ पांव परिवार के काम आते रहे। न निकले इस वक्त मुंह से बोला, लेकिन शब्द उसके अंदर खलबलाते रहेंगे। घर के लोग उसके समस्त रंध्र बंद कर दें, फिर भी ये शब्द अंदर पड़े रहेंगे, अंदर कुल बुलाते रहेंगे। रंध्र का अर्थ है छेद, खोलते और खदकते। जब मृत्यु के बाद उसकी चीर फाड़ होगी, तो ये शब्द निकल भागेंगे शरीर से और जीती जागती इबारत बन जाएंगे। उसके फेफड़ों से, गले की नली से, अतड़ियों से चिपके हुए ये शब्द बाहर आकर तीखे नुकीले कटीले जहरीले असहमति के अग्रलेख बनकर छा जाएंगे घर पर। अग्रलेख का अर्थ होता है मुख्य लेख बनकर छा जाएंगे घर पर। अगर वह इन्हें लिख दें तो एक बहुत तेज एसिड का आविष्कार हो जाए, इतने ज्यादा उसके अंदर उसके शब्द दबे हुए थे कि अगर उन शब्दों को कहीं लिख दिया जाए
तो एक बहुत तेज एसिड का आविष्कार हो जाए। फिलहाल उसका मुंह सूजा हुआ था, पर मुंह बंद रखना चुप रहने की शर्त नहीं है। ये शब्द उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेखिका आशान्वित है कि दीपशिखा की एकांतिक लड़ाई परिणाम की दृष्टि से भले ही उत्साहजनक न हो, लेकिन दीपशिखाओं की बात से जुड़कर उसके संघर्ष की लौ को अवश्य अग्निशिखा बना देती। दीपशिखा अपने नाम की भांति केवल तिल तिल कर जलने की अपनी नियति को स्वीकार कर आगे नहीं बढ़ सकती। त्रिपुरुष संबंधों को समरस बनाने की, परिवार को एकजुट रखने की जिम्मेदारी केवल स्त्री की नहीं है, पुरुष को भी यह जिम्मेदारी निभानी ही होगी। कहानी का मुख्य तथ्य यही है कि जो स्त्री को उसका हक और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उसे बोलने को स्वीकृति प्रदान करता है, सही मायनों में मानवीय धरातल पर आधारित, तभी ये दुनिया सफल होगी जब स्त्री और पुरुष को समरसता मिलेगी। कुछ प्रश्न जो इस पाठ पर आधारित होंगे वह प्रश्न हम देख लेते हैं। पाठ समाप्त हो चुका है। दीपशिखा का परिचय दीजिए। दीपशिखा पढ़ी लिखी एक लड़की है जिसने समाज के विपरीत जाकर वह सब बोलने वह सब कुछ बोलने का बीड़ा उठाया है जो कि समाज के अनुसार एक स्त्री को नहीं बोलना चाहिए। वह एक माँ है, एक पुत्र वधू है, इस कहानी की नायिका है, एक ऐसी स्त्री है जो समता मूलक संस्कार और शिक्षा देकर एक बेहतर समाज की स्थापना करना चाहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीरथ को तू घूमना कहती है, इतनी खराब जुबान पाई है तूने, कैसे गुजारा होगा तेरे गृहस्थी का? इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। शिखा एक पढ़ी लिखी स्वतंत्र ख्यालात की स्त्री है। वह अपने जीवन में नयापन चाहती है, लेकिन उसका पति कपिल परिवार परंपराओं से चिपका हुआ है
वह उसे जी हजूरी करने वाली गुड़िया के रूप में तब्दील करना चाहता है। इसी बात से दोनों में नोक झोंक होती रहती है। शिखा कहीं घूमने जाना चाहती थी। कपिल ने साफ शब्दों में मना कर दिया। बच्चों ने यह बात अपनी दादी तक पहुंचा दी, जिस पर शिखा की सास भड़क उठी और उसने शिखा से कठोर शब्दों में कहा कि काम धंधा छोड़कर क्या घूमने जाना उचित है। शिखा ने सास को प्रत्युत्तर दिया कि आप भी तो तीरथ के बहाने घूमने जाती हैं, जिस पर शिखा की सास उससे और अधिक नाराज हो गई और उसने उससे कहा कि कैसी बदतमीज बहू है, कितनी खराब जुबान है उसकी और किस प्रकार वह अपनी गृहस्थी को संभालेगी। इस कहानी में एक स्त्री का दलन उसकी आशाओं, उसकी इच्छाओं को किस प्रकार तोड़ा जाता है, वह दिखाई दिया। एक और प्रश्न इस पाठ पर बनता है, बोलने वाली औरत कहानी की कथा वस्तु स्पष्ट कीजिए। प्रस्तावना में आप ममता कालिया, जो इस कहानी की लेखिका हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं कि वह स्त्रियों के जीवन को अपनी कहानियों का केंद्र बनाती थी और इन स्त्रियों में मध्यम वर्गीय स्त्रियां उनके दुख दर्द को उन्होंने अपनी कहानियों में पिरोने का अथक साहस दिखाया है। आप इस कहानी में किस प्रकार दीपशिखा का प्रेम विवाह और किस प्रकार विवाह होते ही उसके पति का स्वभाव परिवर्तित हो जाना, यह भी लिख सकते हैं। शिखा को एक पालतू गृहिणी की तरह गृहस्थी की चार दीवारी में बंद करने की प्रक्रिया इस कहानी में दिखाई गई है। स्त्री पुरुष की भूमिकाएं इस कहानी में सुंदर ढंग से दर्शाई गई हैं। बोलने वाली औरत कहानी समाज को यह संदेश देती है पाठकों तक इस विचार को पहुंचाना चाहती है कि दीपशिखा की तरह मधुर मधुर जलकर अपने को होम कर देने वाली स्त्री अनिवार्य है। लेकिन वास्तव में जब तक दीपशिखा अग्निशिखा बनकर अपने अधिकार और गरिमा के लिए संघर्षपूर्ण लड़ाई नहीं लड़ेगी, तब तक पारिवारिक मर्यादा की आड़ में स्त्रियों का तिल तिल जलना मिटना जारी रहेगा।